किरण, ये टेबल याद कर लिया आप लोगों ने? हाँ, ये कौन सी जगह है? अलीपुर तो नहीं है? मणिक टोला बगीचा है कलकत्ता में, अवैध हथियारों की तलाशी में पकड़े गए थे। ये किनको गिरफ्तार किया हुआ है? खुदीराम बोस। सोचो, इतना छोटा सा बालक डरा नहीं इतने बड़े एम्पायर से। इसको पता था कि हम मार डाले जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन डरा नहीं। ये हमने कर लिया था, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये पत्रिका थी। अब ये विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। इंडिया होम रूल सोसाइटी के बहुत सारे सदस्य थे और लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो छोटा सा देश दिख रहा है, इसने अपने बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया पर शासन किया। लंदन में एक अंग्रेज थे, उनका नाम था हेडमैन। हेडमैन के सुझाव पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई 1905। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक भी थे, अध्यक्ष भी थे, लेकिन इसके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सुहरावर्दी। भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे इसके मेंबर भी थे, मदन लाल सिंगा, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसका प्रचार खूब किया। भारत के बाहर स्थापित आजादी के लिए पहली ये संस्था थी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की कला श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, और इंडिया हाउस की स्थापना की ताकि क्रांतिकारी को रहने के लिए। लेकिन जब इन्होंने 1857 की स्वतंत्रता की वार्षिकी मनाई, फिर ये अंग्रेजों की निगाह में आ गए और यहाँ से ये पलायन कर गए और जाकर के पेरिस में बस गए। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1906 में पेरिस में बसने के बाद यहाँ के ब्रिटेन के कार्यभार का नेतृत्व आ गया वी डी सावरकर के हाथ। इसी समय सावरकर ने अपनी वो प्रसिद्ध किताब लिखी थी, कौन सी किताब? अठारह सौ सत्तावन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने सिद्ध किया। इंडिया हाउस ने दिन रात प्रयास किया कि अगला कदम क्या उठाया जाए। लंदन में भारत का सचिव था कजन वायली, इसकी हत्या की योजना बनाई गई और मदन लाल धींगरा ने इसको मार डाला। मदन ने कर्जन को मारा। कर्जन वायली का क्या कसूर था? कर्जन वायली ने उदयपुर रियासत के, जब ये उदयपुर रियासत का रेजिडेंट था राजस्थान में, उस समय श्याम जी कृष्ण वर्मा हुआ करते थे भारत में, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को इसने एक बार गिरफ्तार करके उनके ऊपर प्रताड़ना किया था, प्रताड़ित किया था अपमानजनक तौर पे। किसी का बदला लेने के लिए मदन लाल धींगरा ने कर्जन को गोली मार दी। होना क्या था, धींगरा को फांसी दे दी गई और फंसे, इसमें फंस गए फिर वही सावरकर। मारता कोई था, फंसते सावरकर। ये है धींगरा की फोटो। और 13 मार्च 1910 को सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया।
भारत भेजा गया। भारत भेजने के लिए एक जहाज का प्रयोग किया गया। उस जहाज का नाम था SS मोरिया। तो यहाँ पे ब्रिटेन में, ब्रिटेन और फ्रांस के तट पे एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है मार्सेलस। इसी बंदरगाह पे SS मोरिया नाम का जहाज सावरकर को लेकर को चलने के तैयार था कि सावरकर समंदर में कूद पड़े और इंग्लिश चैनल को पार किया। लेकिन जहां पार निकले वहां पे पहले से अंग्रेज खड़े थे। फिर इनको आजीवन कारावास में भेज दिया गया सावरकर को। तो ये इंडिया हाउस का पहला काम था, करजन वायली की हत्या। दूसरी हस्ती थी भीखा जी कामा। ये है मैडम भीखा जी कामा। फ्रांस की नागरिक थी। लंदन, जर्मनी, अमेरिका में घूम घूम कर इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया। तो पेरिस इन्हीं के सहयोग से भागे थे श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से पेरिस। इन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया। एक पत्रिका का नाम था वंदे मातरम और दूसरी पत्रिका का नाम था मदन तलवार। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए होता है डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कल होगा। तो वहाँ अपने डाउट्स में, क्योंकि डाउट्स में मैं घुस जाता हूँ ना, तो फिर उसी में रह जाता हूँ, ये हो ही नहीं पाता। तो डाउट क्लियरिंग सेशन इसलिए होता है दिल खोल के क्वेश्चन पूछ। पढ़ाई इज वेरी मच अबाउट योर मूड, है ना। ये सिर्फ मूड पे, टेम्पो पे होता है। 22 अगस्त को इन्होंने भारत का पहला राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था जर्मनी में, स्टुटगार्ड में, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में। और झंडा है ये, इन्होंने ही डिजाइन किया था इस झंडे को। बीच में लिखा है वंदे मातरम। हरा पीला लाल रंग के पट्टे हैं। 8 कमल के फूल हैं। उस समय भारत में 8 राज्य हुआ करते थे। और देवनागरी में झंडे के बीच लिखा हुआ है वंदे मातरम। इस झंडे को डिजाइन किया था, कोई बता सकता किसने डिजाइन किया था? मैडम भीखा जी कामा तो थी ही थी, साथ में इनके एक और डिजाइनर थे। वेरी गुड पद्मा। सरदार सिंह राणा। वृद्धावस्था में फिर ये भारत लौट आई। भारत में 13 अगस्त 1936 को बंबई में इनका देहांत। तो दिस वाज क्रांतिकारी आंदोलन इन ब्रिटेन एक्चुअली। इसके बाद हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे। लाल रंग कम्युनिज्म का प्रतीक तो बाद में बना, पहले लाल रंग त्याग और तपस्या का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक। पीला रंग आध्यात्मिकता का प्रतीक, सत्य की खोज का। इसीलिए बुद्ध के अनुयायी पीला टाइप का गैरिक वस्त्र ऑरेंज कलर पहनते हैं। अमेरिका में क्या क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ? कुछ सोसाइटीज अमेरिका में पैदा हुई। पहली सोसाइटी थी सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। उन्नीस सौ छह में इसकी स्थापना हुई न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक हैं मोहम्मद बरकतुल्ला, सैमुअल लुकास जोशी। दो लोग। इनका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन को प्रोत्साहित करना। पहले ये संस्था किसी दूसरे नाम से थी, पैन आर्यन एसोसिएशन पहले इसका नाम था। बाद में सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया हो गया। दूसरी संस्था 1906 में थी, एक साल बाद कैलिफोर्निया में निर्मित हुई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। उन्नीस सौ सात में कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ दास।
इन्होंने अपना एक मुखपत्र निकाला, विशेष पार्टी का मुखपत्र था स्वतंत्र हिंदुस्तान, नाम ही था इनका इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, उसी का हिंदी रूपांतरण है स्वतंत्र हिंदुस्तान, क्रांति फैलाना चाहते। तीसरी संस्था थी गदर, गदर पार्टी, ये थोड़ा सा देर से 1913 में अस्तित्व में आई, सैन फ्रांसिस्को, पहला न्यूयॉर्क, दूसरा कैलिफोर्निया, तीसरा सैन फ्रांसिस्को, इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाटना, इसको कहा जाता था प्रशांत तट का हिंदी संघ। इन्होंने हिंदुस्तान गदर नाम का मुखपत्र चलाया, हिंदुस्तान गदर, इनके पार्टी मुख्यालय कहते थे युगांतर आश्रम, ये भी वही उद्देश्य लेकर चल रहे। तो गदर पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स हैं, मैक्सिमम सारे पंजाब के ही थे उस समय के, टॉप के मेंबर जैसे करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, हरिनाम सिंह, कुंडीलाथ, मौलवी बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन लाल पाठक, संतोष सिंह, पंडित काशीराम, मैडम भीका जी कामा भी इसी के मेंबर थे, राजा महेंद्र प्रताप जिसकी हम आगे बात करेंगे, जिन्होंने अफगानिस्तान में पहली भारत की सरकार की स्थापना की, वो भी इसी के मेंबर थे, रास बिहारी बोस, अब्दुल रहमान, ये सब गदर पार्टी के मेंबर थे। एक मिनट में तो लाला हरदयाल 1911 में ही अमेरिका आ गए थे, और वहाँ कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से मैंने भी एक प्रोजेक्ट किया है पार्टीशन पे, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लाला हरदयाल प्रोफेसर बन गए। बाद में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हुए इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना की, अमेरिका और कनाडा के भारतीयों को संगठित किया, गदर नाम की पत्रिका इन्होंने निकाली, तो इसका पहला अंक उर्दू में छपा, बाद में गुरुमुखी में भी पंजाबी में छपने लगा, बाद में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती भी निकलने लगा। तो गदर की इस पत्रिका के संपादक थे रामचंद्र पेशावरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो गदर के नेताओं ने निर्णय लिया कि अब टाइम आ गया है कि खुला विद्रोह किया जाए, लेकिन अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया और ब्रिटेन के प्रभाव में अमेरिका ने इस दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर इनको रातों रात यहाँ से निकल करके जर्मनी भागना पड़ा, क्योंकि तो जर्मनी इनके खिलाफ था, तो ब्रिटेन के खिलाफ था तो अमेरिका का हितैषी था, नहीं सॉरी, भारत का हितैषी था, दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। फिर जर्मनी में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां अपनी शुरू की, तो यहाँ पर ही जर्मनी में ही पहले से ही स्टैब्लिश थी भीखा जी कामा, इन्होंने शुरू किया। लाला हरदयाल इंग्लैंड से आ गए और भीखाजी कामा से मिलकर के भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। उन्नीस सौ सोलह में जर्मनी में इनके और भी सहयोगी मिल गए, एस एस राणा, के आर बनेतवाल, एम पी टी आचार्य, बी एन चट्टोपाध्याय, राजा महेंद्र प्रताप, मैंने बताया गदर पार्टी के मेंबर थे, हाथरस के राजा थे, यूपी में है हाथरस। इन्होंने क्या किया कि 1 दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में प्रथम भारत की निर्वाचित अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी और खुद इसके राष्ट्रपति बन गए।
प्रधानमंत्री बना दिया बरकतुल्ला को, अब्दुल्ला को बना दिया गृह मंत्री, अब्दुल्ला सिंधी को, तो ये सरकार जब घोषित हो गई काबुल में राजा महेंद्र के द्वारा, तो जर्मनी और रूस ने 1915 में ही भारतीय स्वतंत्रता समिति जो स्थापित की इधर जर्मनी में, इसके साथ मिलकर के जर्मनी और रूस ने एक जर्मनी मिशन भेजा था काबुल इस सरकार के समर्थन में। तो इस मिशन में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, जर्मनी के प्रतिनिधि थे फान हेटिंग, तो इन्होंने ही मिलकर के काबुल के शाह की सहायता से पहले आजाद हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो पहली बार भारत काबुल में आजाद। राजा ने कहा है कि राजा महेंद्र ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया जाए। लगभग हर देश में राजा की सरकार ने अपने राजदूत बना दिए, क्योंकि विदेशों में इनके बहुत सारे लोग थे पहले से ही, राजदूत नियुक्त किए कर दिए, और हर देशों को लेटर लिख दिया कि हमको मान्यता दो, हम यहाँ पे आजाद हिंदुस्तान है। जर्मनी और रूस ने इनको मान्यता भी दे दी। तो ये एक बीच में घटना घटी थी। उस टाइम अफगानिस्तान में हमें शाहब्दाली के वंश शासन कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये मंत्रिमंडल है राजा महेंद्र प्रताप, ये बीच में राजा महेंद्र प्रताप बैठे, ये जर्मनी का है जो डेलीगेट आया था। तो ये फैक्ट आप लोग को मालूम था राजा महेंद्र प्रताप वाला इसके पहले। जब पीढ़ी पहले पढ़ ली है क्लास तो खत्म होने दिया करो। कोट शेरवानी का नहीं पता, फ्रॉक तो नहीं पहना। यस ही वॉज जाट रूलर एट हाथरस। इसी समय की अगली घटना घटती है जिसे कहते हैं कामागाटा मारू। ये है कामागाटा मारू जहाज। इस प्रकरण का विवरण मिलता है सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट में, और जेम्स कैंपबेल ने किताब लिखी है भारत में राजनीतिक व्याख्या। इसमें किताब का नाम 1914 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश संबंधित विवाद से जुड़ा हुआ है। कनाडा सरकार ने कानून ये बनाया था कि जो सीधे कनाडा आएगा भारत से, उसी को हम कनाडा में घुसने देंगे। जो सीधे नहीं आएगा कनाडा, बीच में कर लेगा कोई और अड्डा, उसको हम नहीं घुसने देंगे। अब कनाडा कैसे सीधे कोई आएगा? पंजाब में कनाडा को कहते हैं कनाडा। मैं कनाडा बहुत जाता हूँ, मैं जाता हूँ ना, तो मैं लड़कियों से पूछता हूँ कि क्या करना है फ्यूचर में, कहती हैं सर असी तो कनाडा को जाना है, ये जो कनाडा। अब कनाडा है यहाँ पे, इंडिया है यहाँ पे, सीधे कैसे कोई पहुँच जाएगा? कहीं ना कहीं हाल्ट तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, या केप आप गुड होप से जाओगे तो ऐसे जाओ। तो ये कानून जानबूझ के इसलिए बनाया गया था कि भारतीय कनाडा में ना आए, कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था कि कनाडा पहुंच जाओ। तो ये घटना 1913 की है। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में घुसने की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे, फॉर द टाइम बीइंग अनुमति दे दी। तो सिंगापुर में भारत का एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसका नाम था गुरदत्त सिंह। गुरदत्त सिंह ने जहाज कर लिया, कामागाटा मारू नाम का इसका जहाज था, किराए पर ले लिया और 376 यात्रियों को बिठा लिया, कहा कि अब तो परमिशन मिल गई चलो, और यहाँ से बैंकूवर की ओर चला, गाना गाते बजाते भंगड़ा करते। अब ये रास्ते में ही था, प्यार की मस्ती में है, लहरों की मस्ती में है, कि कनाडा की सरकार ने वो कानून ही रद्द कर दिया जो 35 लोगों को इन किया था कनाडा के अंदर। अब ये बेचारे क्या करें, कोई कार तो है नहीं सड़क पे कि पीछे मोड़ लो, यू टर्न ले लो। अब जहाज तो चल पड़ी, वो भी पंजाबियों की जहाज, जहाज वैसे भी किसी की हो बैक तो हो नहीं सकती। खैर कहे कि चलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह देखी जाएगी।
23 मई 2014 को वैंकूवर के तट पर पहुंची। कनाडा की पुलिस ने कहा कि नो 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 नॉट अलाउड नॉट अलाउड, गो बैक, कामा गाटा मारू, गो बैक। सरदार जी ने कहा था ये तो हम बोलते थे, साइमन गो बैक, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। हम बीच में फंस गए हैं, न माया मिली न राम, न जापान के हुए न भारत के हुए, न कनाडा वाले कुछ नहीं कर रहे, हमारे अधिकारों का हनन है। तो इसमें कुछ वकील थे, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह, इन्होंने एक कमेटी बनाई कि हमारे अधिकारों को लड़े लड़ा जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसको कहा गया है सोर कमेटी, सोर मतलब पट, यात्रियों की लड़ाई लड़ना। तब तक इनको कहा गया कि भाई यहीं बैठे रहो, जहाज में ही बैठे रहो। चंदा एकत्र किया गया, बैठकों पे बैठ के तारीख पे तारीख। भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह, भाटना ने अमेरिका में आंदोलन छेड़ दिया कि यात्रियों को वापस लाया जाए, अंदर लाया जाए। लेकिन सरकार झुकी नहीं, कहे कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग यात्री थोड़ी ना। तो ये है बेचारे वो यात्री, इनको वापस मोड़ दिया गया कि नहीं आप जहाँ से आए हैं वहाँ जाइए, कामा गाटा मारू, गो बैक। फिर ये अपना जहाज लेकर के बेचारे वापस फिर जापान आ गए। जापान जैसे ही पहुंचे याकोहामा में, वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो चूंकि थे तो ये भारतीय ही, तो अंग्रेजी सरकार ने कहा कि तुम लोग जो है हमारे दुश्मन के यहाँ कहाँ जा रहे हो, डायरेक्ट कलकत्ता आओ, अपने घर आओ, कम बैक टू होम, जापान तो हमारा दुश्मन है। अब ये सरदार और परेशान हो गए। अब ये सरदारों ने कहा कि भाई कनाडा वालों ने किया, कोई बात नहीं है, को हम आओ, कह रहे सीधे आ जाओ कलकत्ता। खैर कलकत्ता है, वहां से बिना नहाए धोए। तो 27 सितंबर 2014 को बज बज नाम की जगह पे बज बजाते हुए पहुंचे। सोचो यहाँ पे पहुंचे थे कनाडा में मई में, 23 मई को, और चले थे याकोहामा से 4 मार्च, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 महीने जो जहाज पे ही रहेगा उनकी क्या हालत होगी। कलकत्ता उतरे, और पुलिस वालों ने कहा ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, वो कराओ, ये कराओ। लेकिन ये बोले कि दिमाग खराब है तुम्हारा, अपने ही देश में कनाडा वाले ये बोल रहे हैं, जवान वाले वो बोल रहे हैं, इधर बुला लिया, इधर बुला के पीड़ित कर रहे हो। पुलिस वालों को लगे मारते हैं दौड़ा दौड़ा के, पुलिस वाले भी फायरिंग करने लगे। 18 यात्री मारे गए जहाज, 202 को जेल में पहुंचा दिया गया, शेष भाग गए। तो इस घटना को कहते हैं कामा गाटा मार। क्या? अरे यार 1914 का, तुम डेट को बहुत ध्यान से देखते हो जाता है कभी कभी, हम ही को लगते पढ़ाने पढ़ाने का मौका पाते चुप नहीं हो। तो ये कामा गाटा मारू हो गया। एक और प्रकरण हुआ जिसे कहते हैं तोशा मारू, और ये भी घटना है प्रथम विश्व युद्ध की। गदर पार्टी के कुछ सदस्य अमेरिका से तोशा मारू जहाज पे बैठ करके भारत, तो रास्ते में ये जहाज रुका सिंगापुर। खैर ये मैं उल्टा बना रहा हूँ, इधर से अमेरिका से चलोगे तो इधर से आ जाओगे सिंगापुर। अच्छी बात। अब सिंगापुर में गदर पार्टी क्रांतिकारी थे भाई परमानंद, उन्होंने इतना भीषण भाषण दे दिया देश प्रेम ओजपूर्ण कि वहां क्रांति फैल गई। और सिंगापुर में वहां की जवानों का झुंड था, गुंडे खां, जमादार चिश्ती खां, ये दोनों नेता हो गए उसके, और इनके नेतृत्व में सिंगापुर में पुलिस ने ही विद्रोह कर दिया इन जहाजियों के भाषण से। इसे कहा गया सिंगापुर क्रांति, सिंगापुर रिवॉल्यूशन। अंग्रेजों ने इसको कंट्रोल किया। तो ये 1914 में हुआ, इसे कहते हैं तोशा मारू प्रकरण। ये सिंगापुर में हुआ। अब अंग्रेज चिंतित हो गए। खैर इसके पहले उन्होंने बहुत सारे एक्ट का सहारा लिया था, जैसे 1907 में इन्होंने एक एक्ट बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट।
यानी राजद्रोही सभाओं को रोकने का नियम। 1908 में इन्होंने बनाया एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। यानी विस्फोटक पदार्थ रोकने का अधिनियम 1908 में ही इन्होंने दूसरा बनाया, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम। इसके बाद 1910 में इन्होंने बनाया समाचार पत्र अधिनियम और 1915 में बनाया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, भारतीय सुरक्षा अधिनियम। ये सब विदेशी क्रांतिकारियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत तक हम देखते हैं कि देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में थोड़े टाइम के लिए रुकावट आ गई और 1919 में कुछ सुधारों को लागू किया गया। देश में वातावरण थोड़ा सा अलग बना और ये वही समय था जब गांधी जी का एडवेंट हुआ, गांधी जी का उदय हुआ, जिन्होंने अहिंसावाद से भारत को स्वतंत्र करने का बीड़ा उठाया। तो इस अहिंसावाद ने भी कुछ क्रांतिकारियों को शिथिल किया। तो यह विदेशों में होने वाले आंदोलन, समझ में आ गया यहाँ तक? क्रमशः क्रम का ध्यान देना है, किस क्रम में किस किस देश में, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सचित्र विवरण दिया हुआ है। भारत की पहली अस्थायी सरकार। कुछ प्रश्न है फिर हम अगली स्लाइड अपलोड करते हैं। हिंदुत्व के उत्थान ने क्रांतिकारी गतिविधियों में इजाफा किया। एनी बेसेंट के अनुसार सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से श्रेष्ठ है। ये दोनों अलग स्टेटमेंट हैं, हालांकि दोनों सही हैं, इसलिए व्याख्या नहीं करता। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बंगाल में तिलक का सेनापति माना जाता है? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, शिशिर घोष, वारिंद्र चंद्र घोष। इनमें सत्य क्या है? करजन ने बंगाल में 7 वर्षों के शासनकाल को शिष्टमंडलों, भूलों और आयोगों का काल कहा जाता है। लाला लाजपत राय का कहना था कि अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा कमजोर स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ। प्लेग के समय की जातियों का बदला लेने के लिए चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड और एयर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। 1868 में आधुनिक जापान के उदय से भारतीयों को विश्वास हुआ कि किसी पश्चिमी सहयोग से भी एशियाई देश विकास, बिना किसी पश्चिमी सहयोग के भी एशियाई देश विकास कर सकते हैं। इसमें गलत क्या है? तिलक ने कहा था। ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की सबसे पहले किसने सलाह दी? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय।
बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित आंदोलनों, संस्थाओं, घटनाओं को उनकी स्थापना के क्रम में लगाए: व्यायाम मंडल, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पहुंचना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे 1892 ईस्वी में, सबसे पहले यही है। इसके बाद हुआ है गणेश उत्सव 1893, शिवाजी उत्सव 1895, व्यायाम मंडल 1896। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें: नेटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह। डेट्स याद है, नेटाल इंडियन कांग्रेस कब शुरू हुआ? वेरी गुड कविता, 1894। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। चंपारण सत्याग्रह 1917। इनको याद कर लो, अभी याद कर लो, अभी अभी याद कर लो। नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894, फिनिक्स आश्रम 1904, साबरमती आश्रम 1916, नेटाल इंडियन कांग्रेस 94 का भ्रंश हो गया नेटाल। जीआरएफ और नेट वालों में ही डिफरेंस है, जीआरएफ वाले कुछ बाकी नहीं छोड़ते, अभी के अभी इसको निपटा देंगे और 2-3 बार रिवाइज मारेंगे हमेशा के लिए पक्का। किस सत्याग्रह का उद्देश्य तीन कठिया पद्धति का विरोध था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और पुणे। आप में से डेली कौन है जो डेली 50 MCQ सॉल्व कर ले रहा है और उसको ही रट ले रहा है, 50 MCQ एवरेज लेके चल रहा है डेली, पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों का अलग अलग? गुड, कम से कम 50 MCQ डेली का एवरेज लेके चलो, 50 तो मैं ही करवा देता हूँ। हाँ, मॉक टेस्ट यार थोड़ा इतना रिलायबल मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ ईजी भी होते हैं और कुछ उसमें, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईया बेन। इसको भी आगे पढ़ाना है, क्वेश्चन में एडवांस में ही पूछ ले रहा हूँ आपसे। खिलाफत आंदोलन के विरोधी इसमें कौन थे?
महात्मा गांधी, चितरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईया बेन। आई नो, लेकिन ये बातें मैं नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम कांग्रेस के नागपुर अधिनियम में पारित नहीं किए गए? मुझे एन अकेडमी ने बेस्ट एजुकेटर अवार्ड भेजा है, लेकिन वो इतना बड़ा है, इतना प्रेशियस है, मैंने ऊपर रख दिया है। स्वदेशी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, हिंदुओं में अस्पृश्यता का निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना, अंग्रेजी का यथासंभव प्रयोग। हाँ, उसको उतार के मैं फोटो शेयर करूंगा। अंग्रेजी का प्रयोग कांग्रेस क्यों करेगी? कॉमन सेंस की बात। अच्छा कविता, तुम कहाँ से हो? अभी नहीं दिखा सकते, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है, उसको ऊपर दिया गया, वो कांच का बना हुआ, टूट नहीं जाए। हाँ, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बनाने की घोषणा की। एनी बेसेंट ने असहयोग प्रस्ताव को सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा कहा था। मैं, इनके सामने बच्चे थे भी वो। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई? खिलाफत, असहयोग, अहमदाबाद, सविनय अवज्ञा। अब हम शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में। 1919 तक की घटनाओं को हमने क्रमशः लगभग देखे। अगला चरण आता है गांधीवाद। गांधी जी ने राजनीति में कुछ नए प्रयोग किए। 1919 से लेकर के 1942 तक राजनीति में छाए रहे। ये टाइम पीरियड गांधी युग की संज्ञा दी जाती है, इसी टाइम पीरियड को, क्योंकि गांधी ने इतने विशाल जन आंदोलन शुरू किए। जे.एच. होम्स ने कहा है कि गांधी गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जाएगी। अल्फ्रेड वॉशिंगटन, लैफ्टे, इतने महान राष्ट्र निर्माता हुए। गांधी जी का अपना कोई पर्सनल लाइफ नहीं था, और इन्होंने अपना जीवन केवल देश के लिए समर्पित किया, इन द ट्रू सेंस। तो गांधी जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं जिनके बारे में क्रमशः हम पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह से इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, इस पर और धार लगती है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन से गांधी जी ने आज़ादी के विमर्श को आर्थिक विमर्श से भी जोड़ा। खिलाफत आंदोलन 1919 में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को राजनीतिक जामा पहनाया। असहयोग आंदोलन 1920 से गांधी जी ने अंग्रेजों के पेट पर लात मारने का अभियान शुरू किया, क्योंकि ये हमारी ही खाके हमारी बजारत। सविनय अवज्ञा आंदोलन
से गांधी जी ने अंग्रेजों को डिसओबे करना शुरू किया सत्य के आधार पर। व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने पब्लिक ओपिनियन को धता बता दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में आर या पार की लड़ाई शुरू की उन्होंने, टिट फॉर इधर या उधर। ये तो प्रमुख आंदोलन थे। इन आंदोलनों के पीछे कुछ प्रमुख घटनाएं भी थी, जैसे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये बता रही थी कि अंग्रेजों को किसी भी तरह से निशंसता से भारतीयों को कंट्रोल करना है, इनके वेलफेयर से कुछ लेना देना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बता दिया कि इनके बारे में सही सोचना अपराध है। चौरी चौरा कांड से ये पता चल गया कि गांधी जी अपने साधन की पवित्रता के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना को गांधी जी का सपोर्ट मिलना भी इस बात का द्योतक था कि वो अपने मार्ग को लेकर के हठधर्मी नहीं है। शाइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें गांधी जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, फिर भी गांधी जी ने इनका विरोध नहीं किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, ट्रिप्स प्रस्ताव, इन सभी मतलब 1917 से शुरू होने वाले घटनाओं से लेकर के 1942 तक पूरे भारतीय इतिहास में अगर कॉमनली एक व्यक्ति छाया है तो वह गांधी जी। और ये सारी घटनाएं एक चेन रिएक्शन है, इंटर रिलेटेड है। मुद्दा उठता है कि गांधी जी का जो दर्शन है, जैसे गांधी जी का दर्शन है सत्याग्रह, ये भारतीय राजनीति में कभी किसी ने प्रयोग नहीं किया। सत्याग्रह की प्रेरणा मिली है इनको हेनरी डेविड थोरो से। थोरो ने एक निबंध लिखा है, उस निबंध का नाम है सिविल डिसओबीडियंस। इसमें डेविड हेनरी थोरो ने सत्याग्रह की बात की है। इस सत्याग्रह को पहली बार गांधी जी ने उपयोग किया दक्षिण अफ्रीका में रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। इसमें कहा गया था कि गैर भारतीयों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जब भारत आए तो भी इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग तो किया ही किया। इसके साधन के तीन रूपों में इन्होंने प्रयोग किया। सत्याग्रह के तीन रूप, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा यानी गलत को मानने से विनम्रता से इनकार कर देना। असहयोग, किसी भी प्रकार का अनीति में असत्य में सहयोग न करना, अपना हाथ खींच लेना। और व्यक्तिगत सत्याग्रह, पब्लिक ओपिनियन की भी फिक्र न करना, अपनी राह के लिए चलना। इसको गांधी जी ने आंदोलन बना दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक। अवज्ञा करने का सबसे बड़ा इन्होंने उपाय बताया, नमक पर जो अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया है उसको हम नहीं मानेंगे, अंग्रेजों के इस फरमान की हम अवज्ञा करेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे, दांडी मार्च किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए हर एक भारतीय को उन्होंने कहा कि सत्याग्रह सिर्फ गांधी नहीं करेगा, नेता नहीं करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया कि सत्य के लिए इंसिस्ट करो, आग्रह करो। विनोबा भावे से शुरुआत हुई ये कड़ी। पहले सत्याग्रही विनोबा थे, बाद में नेहरू जी आ गए। असहयोग को भी आंदोलन बनाया और पूरे भारत के लोगों ने अंग्रेजों से अपना हाथ खींचना शुरू किया। वास्तविक नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म हुआ है गुजरात में।
जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को। माता पुतलीबाई, पिता का नाम है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर राज्य में दीवान थे, अलग अलग जगहों पर। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। अठारह सौ बयासी में 4 बेटे हुए, हरिलाल, रामलाल, रामदास, मणिदास, देवदास। जमनालाल बजाज को इन्होंने अपना पांचवा बेटा कहा। भारत में पढ़ाई करने के बाद 2 साल तक, 3 साल तक, यानी 1889 से लेकर के 91 तक ये इंग्लैंड चले गए और वहाँ बैरिस्टरी की पढ़ाई की। फिर भारत लौटे और राजकोट में इन्होंने वकालत शुरू कर दिया। गांधी जी की एक ही शादी हुई थी, पुतलीबाई माँ थी गांधी। वकालत में फेल हो गया क्योंकि झूठ बोलते ही नहीं। अब वकील झूठ नहीं बोलेगा तो सफल कैसे होगा? सत्य और अहिंसा करके वकालत थोड़ी ना जीती जाएगी। वकील तो वही सही होगा जो हत्यारे को निर्दोष साबित कर दे, निर्दोष को हत्यारा साबित कर दे। सफलता नहीं मिली। 1893 में एक मुसलमान व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला, उसकी कुछ प्रॉपर्टी फंस गई थी साउथ अफ्रीका में। तो गांधी से पैक्ट किया कि साउथ अफ्रीका में जाओ, वहाँ मुकदमा लड़ो। तो अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने ये साउथ अफ्रीका पहुंच गया। वहां जाके देखा कि वहां भी जो इंडियन है उनके साथ तो भयंकर शोषण चल रहा है, दुर्व्यवहार चल रहा है। खुद गांधी जी को डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, मैरिट्सबर्ग नाम के स्टेशन पर डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया प्लेटफॉर्म पे। वहां देखा कि भारतीयों को प्रथम श्रेणी की यात्रा में अनुमति नहीं है। इसी मैरिट्सबर्ग कांड ने गांधी जी के जीवन को बदल दिया, इनके जीवन को एक उद्देश्य दे दिया। इसने मोहनदास को करमचंद गांधी बना दिया, मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी बना दिया। सबसे पहले इन्होंने देखा कि वहां पे रेसिज्म बहुत, रंग भेद, गोरा काला रंग भेद भीषण रूप से चल रहा है। भारतीयों को काला कहकर मजाक उड़ाया जाता, उनका अपमान किया जाता। मुकदमा मुकदमा तो गया काम से, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। 1906 में इन्होंने शुरू कर दिया एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध करना। यह रजिस्ट्रेशन यह था कि भारतीयों को, चूंकि वो निम्न जाति के हैं, निम्न देश से गुलाम देश के नागरिक हैं, तो उनको कम सुविधाएं दी जाएंगी, उनके लिए अलग हर चीज अलग रखा जाएगा। तो उनके लिए एक उनके लिए आई कार्ड बनवाया जाएगा ताकि उनको पहचान किया जा सके। गांधी जी ने कहा यह तो तुम हमारे ऊपर स्टैंप लगाना चाहते हो कि हम गुलाम लोग हैं, हम निकृष्ट लोग हैं, ये नहीं चलेगा। तो इंग्लैंड इन्होंने एक शिष्टमंडल भेजा और इस अधिनियम को इंग्लैंड ने समाप्त कर दिया। ये पहली सफलता थी। इसी अधिनियम को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले शुरू किया। अवज्ञा को अपना हथियार बनाया और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया। 1894 में ही इन्होंने नेटाल, नेटाल में रहते थे ये अफ्रीका में, नेटाल इंडियन कांग्रेस नाम की एक सभा का निर्माण किया, एक संगठन का, और इनके सहयोगी थे बाक, जान बाक। और वहां रहने के लिए जो इनकी जगह थी उसका नाम रखा इन्होंने टालस्टाय फॉर्म। टालस्टाय रूस के साहित्यकार थे जिनको संत भी माना जाता है, उनके भी विचारों से प्रभावित थे। तो ये गांधी आश्रम बन गया। फिर 1904 में ये आगे चल करके चले जाते हैं डरबन। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इनकी पत्नी कस्तूरबा भी आ गई थी। 1913 में कस्तूरबा गांधी के साथ और 16 अन्य लोगों के साथ वहां एक मजदूरों की प्रथा चलती थी जिसे कहते थे गिरमिटिया, यानी 19वीं शताब्दी में भारतीय मजदूरों को देश के बाहर 5 या 10 साल काम करने का एक समझौता करा लिया जाता था।
और भेज दिया जाता था, क्योंकि ये समझौता करके आए होते थे तो ये कानूनी रूप से बाध्य होते थे, उनका खूब शोषण किया जाता था। तो इन्हीं मजदूरों को कहा जाता था गिरमिटिया, गिरमिट, और इस परंपरा को कहते थे गिरमिटिया प्रथा। तो ये बेचारे मजदूर थे, देश छोड़ के पहले ही आए थे, लेकिन बाद में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इन पर 3 पाउंड का कर लगा दिया कि जो तुम कमा रहे हो उसमें 3 पाउंड हमको देना है। मेरे कमाल हो गए, एक तो इनकी कमाई कुछ नहीं, ऊपर से जो कमा रहे हैं 3 पाउंड का कर इनको देना है, क्यों देना है। यहाँ भी गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया और इसमें भी सफल हुए। तो ये सब सफलताएं प्राप्त करने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को बंबई आ जाते हैं भारत। क्या कह रही हूँ मैं समझ नहीं रहा हूँ। हर चीज टाइम के अनुसार ही होती है ना, बिना टाइम के क्या होता है, टाइम तो हर चीज में इन्वॉल्व है। तो ये सरकारी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ये अपने सहयोगी के साथ लौटे अहमदाबाद, अहमदाबाद में जगह है कोचरब। कोचरब में जीवनलाल बैरिस्टर के मकान को किराए पे लिया और धीरे धीरे यहाँ पे एक आश्रम बना दिया। इस आश्रम का नाम रखा गया सत्याग्रह आश्रम। यह आश्रम की स्थापना हुई थी 25 मई 1915 को। बाद में 17 जून 1917 को अहमदाबाद चले गए और साबरमती के तट पर एक दूसरा आश्रम बनाया, उसका नाम रखा साबरमती आश्रम। अरे यार क्वेश्चन रेज हैंड करके पूछ लो ना तुम, इतना सबके पास क्षमता नहीं होती पूछने की। तो जब ये भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से ये प्रभावित है। गोखले इनके राजनीतिक गुरु हैं। गोखले ने इनको सलाह दिया कि अभी आप राजनीति मत कीजिए, 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और भारत की परिस्थितियों को समझिए। अभी अफ्रीका में करके आए, भारत भ्रमण इन्होंने 1 साल किया, क्योंकि अफ्रीका में अपनी शुरुआती सफलताओं से ये सफल हो चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे पूरे इंडिया में। तो बिहार में चंपारण से नील की खेती करने वाले किसान, इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया, उस आंदोलन को सफल बनाया 1917 में। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के मांग के समर्थन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक साधन के रूप में प्रयोग किया। तो पहली बार भूख हड़ताल इन्होंने अहमदाबाद में किया। भूख हड़ताल भी सत्याग्रह का ही एक साधन था और कुछ नहीं था। आगे चल करके 22 मार्च 1918 को खेड़ा के किसानों के सत्याग्रह में गांधी जी ने लगान न देने का सुझाव दिया किसानों को, कि लगान मत दो, इसको भी सत्याग्रह के अंतर्गत ही बनाना। तो ये 3 सत्याग्रहों से गांधी जी जनता के संपर्क में आ गए, कुट्टाई छोड़ दिए, लंगोट में आ गए, धोती पहनने लगे। तो ये तो था आजादी की लड़ाई के अंतर्गत अन्याय के खिलाफ। इसके अलावा उन्होंने 3 और आदर्शों पे काम किया, हिंदू मुस्लिमों की एकता, छुआछूत से भारत को मुक्त करना
और स्त्री विमर्श, भारत में स्त्रियों को, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधार। तो आजादी के पैरेलल ये तीनों चीजें भी इनके समय में मिलती हैं। गांधी जी के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली घटना घटी राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, जिन्होंने इनको एक्शन लेने पे विवश किया, अभी तक ये राजनीति बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, वो था रॉलेट एक्ट। एक तरफ तो मैंने मॉन्टेग्यू घोषणा कर रही थी कि भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा, सरकार अपनी उदारता के लिए अपना पीठ थपथपा रही थी, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों को कठोर दमन करने के लिए उन्होंने कहा कि बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट के, संदेह के आधार पर किसी को भी हम उठा लेंगे घर से गिरफ्तार। तो ये सिडनी रॉलेट नाम का एक जज था, उसकी सलाह थी, इसको कानून बना दिया गया। मुकदमा भी इसमें कहा गया है कि गुप्त रूप से चलाया जाएगा। पंद्रह अप्रैल 1918 को समिति की ये रिपोर्ट आती है। भारत में चारों तरफ विरोध होता है और 18 मार्च 1919 को इसको पास कर दिया गवर्नमेंट ने, काला कानून कहते। इसका भीषण विरोध हुआ। इसका था कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, और मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक, इन तीनों ने इस कानून के खिलाफ केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से भी इस्तीफा दे दिया। ये बात जब गांधी जी के पास पहुंची तो गांधी जी के सुझाव पर, उसमें कांग्रेस पार्टी तो थी, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। ये पहला स्टेप था कांग्रेस पार्टी पर गांधी जी का। दूसरा, सत्याग्रह सभा की स्थापना की, पहला इन्वॉल्वमेंट था। तो भयंकर हड़ताल शुरू हो गया, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जलंधर, अहमदाबाद प्रदर्शन हुए, सभाएं की गई, हड़ताल। सरकार ने विरोध को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया, निहत्थी भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चलाई, एक लोग मारे गए। पंजाब की सबसे बुरी स्थिति थी, पंजाब में तो पागल हो गए थे सिख। गांधी जी वहां की जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजाब की तरफ जाने लगे तो गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया, ने पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। और पंजाब में, हरियाणा का भी उसमें पंजाब का बात था, पलवल, पलवल में गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1919 को इनको बम्बई भेज दिया गया। उसी समय पंजाब का गवर्नर था ओडायर, माइक ओडायर। इसने तो आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया। 9 अप्रैल को रामनवमी के त्योहार पे हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त जुलूस निकाला। इससे घबरा करके इसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इसको अमृतसर से निर्वासित कर दिया, फड़ी पार कर दिया। लोग और भी पागल हो गए कि गांधी जी को भी भगा दिया, इनको भी कर दिया। इसी का परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो आज की ये क्लास है, बाकी कल करेंगे इसके आगे, टाइम आपका खत्म हो गया है। और ये आपका लीडर बोर्ड है, प्रिया अमृत सिंह, बेबी फर्स्ट सेकंड थर्ड, शोना मुर्मून, कविता शिव कुमार, पूजा मिश्रा, हर्षित और शोभा।